दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत को एक शानदार विकेटकीपर बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला जा रहा है पहला टेस्ट मुकाबला अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है, जहां से एक टीम ही जीत सकती है और वो भारतीय टीम। आपको बता दें कि भारतीय टीम ने इस मुकाबले में उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए साउथ अफ्रीका को चारों खाने चित कर दिया है और वहीं भारतीय टीम ने चार विकेट भी छटका दिए हैं और अब भारतीय टीम को जीत के लिए मात्र 6 विकेट की और जरूरत है, जो कि भारतीय गेंदबाजों के शानदार फॉर्म को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम इस मुकाबले को आसानी से अपने नाम कर लेगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं पांचवा दिन कैसा रहेगा खेल और क्या होगा मौसम का हाल। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है मोहम्मद शमी और रविचंद्रन अश्विन में से बेहतरीन गेंदबाज कौन है? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जब भारतीय टीम साउथ अफ्रीका की धरती पर पहुंची तब किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि भारतीय टीम इतना बेहतरीन प्रदर्शन करेगी, क्योंकि इससे पहले भारतीय क्रिकेट में काफी कुछ चल रहा था जिसका असर ऐसा माना जा रहा था कि भारतीय खिलाड़ियों पर भी पड़ेगा। लेकिन पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इसे गलत साबित कर दिया और वहीं पहले दिन बल्लेबाजों की जबरदस्त प्रदर्शन के बाद दूसरे दिन का खेल बारिश में धुल जाने के कारण ये टेस्ट मुकाबला बेहद रोमांचक बन गया था। जहां तीसरे दिन जब भारतीय बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आए तब साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने खतरनाक गेंदबाजी करके भारतीय बल्लेबाजों को एक घंटे के अंदर ही पवेलियन भेज दिया। लेकिन वहीं जब अफ्रीकी बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आए तो भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें ठीक से खड़ा भी नहीं होने दिया और मात्र 197 रनों के अंदर समेट कर एक बार फिर से भारतीय टीम को इस मुकाबले में वापसी करा दी। और आज चौथे दिन के खेल में साउथ अफ्रीकी गेंदबाज छाए रहे और पूरी भारतीय टीम को मात्र 174 रनों पर समेट कर थोड़ी बहुत सही लेकिन अपनी टीम की वापसी करा दी। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी भारतीय टीम 130 रनों की बढ़त हासिल करने में कामयाब रही और वहीं दिन का खेल खत्म होते होते भारतीय गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका बल्लेबाजी क्रम का कमर तोड़ते हुए मात्र 97 रनों पर ही चार साउथ अफ्रीका बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। दोस्तों चार दिन तक चले इस मुकाबले में अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि कौन सी टीम जीतेगी। कल यानी पांचवा दिन बेहद ही रोमांचक होने वाला है और इस मुकाबले में एक ही टीम जीतती नजर आ रही है, वो है भारतीय टीम। आपको बता दें कि कल के दिन यदि भारतीय टीम को कोई हरा सकता है तो वो बारिश है। जी हाँ दोस्तों, कल के दिन के मुकाबले में बारिश की भी उम्मीद जताई जा रही है और यदि ऐसा होता है तो भारतीय क्रिकेट प्रशंसक बेहद ही निराश होंगे। लेकिन वहीं ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि बारिश आई तो पूरे दिन का खेल बर्बाद नहीं होगा बल्कि कुछ समय कहीं खेल कर रुकना पड़ेगा, उसके बाद खेल को दोबारा शुरू किया जा सकता है। और यदि ऐसा होता है तो भारतीय टीम साउथ अफ्रीका को आसानी से निपटा देगी, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों के जबरदस्त फॉर्म को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम को जीत हासिल करने के लिए मात्र एक सत्र की जरूरत है और फिर इस टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे हो जाएगी और साउथ अफ्रीका में पहली बार कोई टेस्ट सीरीज जीतने का अपना सपना पूरा कर पाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज में विराट कोहली शतक लगाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।